फ्रेंड्स, हमारी कार में काफी सारी चॉकलेट्स आती हैं। उनमें से कुछ चॉकलेट्स ऐसी हैं कि जिनके बिलिंग करने की वजह से और हम थोड़ी सी लापरवाही कर दें तो हमारी गाड़ी का इंजन पूरी तरह से सीज हो सकता है। तो प्लीज फ्रेंड्स, वीडियो को ध्यान से देखें। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल UCT उत्तराखंड कार टेक्निकल में। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, मैं आपके लिए कार टेक्निकल से रिलेटेड नए नए वीडियो लेकर के आता रहता हूं और सारा प्यार आप लोगों का मुझे मिलता रहा है और मिल रहा है, और मैं उम्मीद करता हूं हमेशा आप मुझे ऐसी अपनी मोहब्बतों में शामिल रखेंगे। फ्रेंड्स, आज तीन ऐसी चॉकलेट्स के बारे में आपसे बात करने वाला हूँ, आपको साथ में शेयर करने वाला हूँ मैं, जो अगर आपकी गाड़ी के डैशबोर्ड पे आपको इनपुट हो रही है, दिख रही है, बिलिंग कर रही है, तो आप गाड़ी बिल्कुल भी ना चलाएं। अगर आपने गाड़ी चलाई तो उसकी वजह से आपका इंजन सीज हो सकता है, पूरी तरह से सीज, जो आपको काफ़ी भारी पड़ सकता है, काफ़ी भारी नुकसान हो सकता है उसकी वजह से। तो दोस्तों, वो तीन चेक लाइट्स क्या हैं, कब आती हैं, किस वजह से आती हैं और क्यों आती हैं, और हमें क्या करना चाहिए ऐसी कंडीशन में, वो सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। फर्स्ट नंबर है, वो है ऑयल प्रेशर चेक लाइट्स। दोस्तों, ये चेक लाइट एक तो येलो कलर की आती है हमारे पास में, बिलिंग करती है येलो, पीले कलर में अगर ये चेक लाइट बिलिंग कर रही है तो ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप ये समझ लीजिए कि गाड़ी का आपका ऑयल का लेवल जो है, ऑयल लेवल कुछ कम है, तो आप ये करिएगा, उसका बोनट खोलिए और ऑयल गेज निकालिएगा वहाँ से, देख लीजिएगा उस पर कैसा क्या है, और अगर ऑयल लेवल कम हो रहा है तो उसे टॉप अप कर ली। कोई घबराने की बात नहीं है, और कहीं इमरजेंसी में अगर जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन ऑयल का टॉप अप करा लें आप उसका, या कर लें खुद। लेकिन अगर यही चेक लाइट आपको रेड कलर में बिलिंग हो, तब क्या करोगे आप? अगर ये चेक लाइट रेड कलर में बिलिंग हो रही है या लगातार हमारे सामने बन के आ रही है, तो आप फौरन पहली फुर्सत में गाड़ी बंद कर दें, आप तुरंत गाड़ी बंद कर दें, चलाएं ना। फ्रेंड्स, मैं बता रहा हूं आपको, अगर ये चेक लाइट रेड कलर में बिलिंग हुई आपकी गाड़ी में और आपने गाड़ी अपनी चलाई, तो ये मान लीजिए टाइमिंग देख लो आप गाड़ी में अपनी, 5 से 10 मिनट या मैक्सिमम बहुत चल गए तो आप 12-15 मिनट, बस इतना चलने पे गाड़ी पूरी तरह से इंजन सीज हो जाएगा आपकी गाड़ी का। मतलब ऑयल प्रेशर की अगर रेड लाइट आपके सामने बिलिंग हो रही है, येलो हो रही है, प्रॉब्लम नहीं है, इंजन सीज होने का कोई खतरा नहीं है, वो बता रहा है ऑयल लेवल कम है। अगर यही लाइट आपको रेड कलर में आ रही है तो आप फौरन समझ लो कि गाड़ी में ऑयल खत्म हो चुका है। तो प्लीज, अगर ये रेड कलर की लाइट ऑयल प्रेशर की बिलिंग करे, तो आप फौरन पहली फुर्सत में गाड़ी अपनी बंद कर दो और गाड़ी को टो करके अपने वर्कशॉप लेके उसे पहुंचो, वहां दिखाओ। फ्रेंड्स, हम ये काम कर रहे हैं तो हमारे सामने आती रहती है गाड़ी, कई सारी गाड़ी आती है, कस्टमर कहता है कि यार लाइट तो बिलिंग कर रही थी लेकिन यार मैं देख नहीं पाया, वो मैंने गाड़ी चला दी, मैंने सोचा कि थोड़ा चल लूँ या यहाँ पहुँच जाऊँ या वहाँ पहुँच जाऊँ, उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। अब वो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि इंजन सीज हो जाता है। ये चीज़ मैंने आपको पिछली वीडियो में अपनी बताई नहीं, उसका डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक ज़रूर दूंगा मैं, वो आप वहाँ देख लीजिए, आपको बहुत सारे चेक लाइट्स के बारे में नॉलेज हो जाएगी, तो आप एक बड़े नुकसान से बच सकते हैं। फ्रेंड्स, दूसरी चेक लाइट है इंजन ओवर हीट या कूलेंट टेम्परेचर चेक लाइट या वार्निंग। फ्रेंड्स, ये चेक लाइट तीन कलर में आती है, एक हो गया ग्रीन कलर, ग्रीन कलर में अगर बिलिंग कर रही है ये तो समझ लो कि हाँ कूलेंट का हमारा लेवल ठीक है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा आती है ये येलो कलर है, यानी पीले कलर में, यानी कि इसका बिलिंग होने का मीन्स ये है कि हमारा कूलेंट का लेवल जो है वो कम हो रहा है, तो उसको हम जो है फटाफट अपने टॉपअप कर लें, कूलेंट का ढक्कन, सॉरी रेटर कैप का ढक्कन खोलें, उसमें कूलेंट डाल लें, कुछ कूलेंट बॉटल हमारे जस्ट बगल में रही होती है रेटर के साइड में, उसमें अपना डाल लें। तो ये ग्रीन और येलो, अगर ये दो तरह से बिलिंग हो रही है, दो कलर में आ रही है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, और यही अगर रेड कलर में आ गई तो बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। अगर रेड कलर में ये चेक लाइट बिलिंग कर रही है तो फ्रेंड्स, आप बिना लापरवाही किए फौरन गाड़ी को अपनी बंद कर दें, बिल्कुल पूरी तरह से इंजन आप बंद कर दें, इंजन स्टार्ट ना रखें और गाड़ी को साइड में लगा दें तुरंत।
आप कहीं भी हो, हाईवे पे हो, घर में हो, कहीं भी हो, किसी भी जगह आप हो, आप अपनी गाड़ी को साइड में लगा दें और गाड़ी का इंजन पूरी तरह से बंद कर दें। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर आपने इस चेक लाइट्स में रेड कलर की ये आ रही है, ब्लिंक कर रही है, और आपने सोचा कि चलो थोड़ा सा आगे तक खींच लेता हूँ या ये कर लेता हूँ या वर्कशॉप तक पहुँच जाऊँ 1-2 किलोमीटर, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स। अगर आपने लापरवाही की तो आप भारी नुकसान उठा सकते हैं, क्योंकि आपकी गाड़ी का इंजन पूरी तरह सीज हो सकता है, हेड गैस्केट फट सकती है आपकी गाड़ी की। इंजन आपको बता रहा है कि इंडिकेट कर रहा है कि नहीं मुझे स्टार्ट मत करना, बंद कर दो, हद हो गई, बस मैं बहुत ज़्यादा लोड है मेरे ऊपर। फ्रेंड्स ये चीज़ हम इसलिए बता रहे हैं आपको, ये हम प्रैक्टिकली इन चीज़ों को कर रहे हैं, मैं खुद अपनी वर्कशॉप में देखता हूँ चीज़ें, ये मैं खुद कर रहा हूँ, मेरे सामने केसेस आए दिन आते रहते हैं। इस तरह के बंदा कहता है कि यार लाइट बिलिंग हो रही थी इसमें यार ये, लेकिन यार खासा ये प्रॉब्लम हो गई और मुझे यार पता नहीं, और ये साला मैंने सोचा कि यहाँ तक पहुँच जाऊँ और ये वर्कशॉप तक पकड़ लूँ या घर तक पहुँच जाऊँ। सिर्फ ये सोचूँ वाली बात जो है, रिस्क लेना, वो उसका ढेर कर देता है गाड़ी के इंजन का, और गैस किट फट जाती है, फिर वो इंजन ही सीज हो जाता है, फिर पूरा इंजन खोलना पड़ता है हमने उसका। फ्रेंड्स ये हो गई दो चेक लाइट्स, अब हम बात करते हैं तीसरी चेक लाइट के बारे में। तीसरी चेक लाइट ये क्या है? ये चेक लाइट हमारा इंजन तो सीज नहीं करेगी, लेकिन हमें हैंग कर देगी, रोक देगी, जहां है वहां रुक गए। वो चेक लाइट होती है फ्रेंड्स अल्टीनेटर चेक वार्निंग लाइट, बैटरी की जो बन के आती है। इसका मतलब ये अल्टीनेटर प्रॉपर आपकी गाड़ी को सप्लाई नहीं दे रहा है बैटरी को, जो वो चार्ज हो। गाड़ी के अंदर फ्रेंड्स जितने भी सेंसर्स हो गए, जितने भी टेक्निकल सिस्टम है उसके अंदर, जो भी सेंसर्स वगैरह हैं, वो सारे के सारे उनको पावर बैटरी के थ्रू सप्लाई होती है। फ्रेंड्स अगर मान लीजिए आप कहीं हाईवे पे हैं और गाड़ी स्टार्ट है और ये चेक लाइट बिलिंग कर रही है, तो आप गाड़ी बंद ना करें। इस कंडीशन में ये अगर चेक लाइट आ रही है, गाड़ी स्टार्ट है, तो आपने गाड़ी बंद नहीं करनी है। क्या करना है कि गाड़ी को आपको कहीं ऐसी जगह रोकना है जाकर के, किसी वर्कशॉप के पास, किसी ढाबे के पास में, किसी ऐसी जगह जहां पे आप रुक सकें, आपको गाड़ी की पूरी सहूलियत हो सके। क्योंकि आपने गाड़ी अगर बंद कर दी तो दोबारा से गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होनी है। ऐसी कंडीशन में क्या है फ्रेंड्स, कई बार ही होता है हमारे पास भी कॉल्स आते हैं तो हम वहाँ जाते हैं, वो बात अलग है, हम अपना चार्ज लेते हैं जाने का, ब्रेकडाउन चार्ज चाहिए हमें तो रखते हैं, लेकिन उसमें प्रॉब्लम कहीं ना कहीं हमें भी होती है और आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, कार ओनर को ज़्यादा प्रॉब्लम है उसमें। भाई कहीं अर्जेंट निकलना है, फैमिली साथ में है, कहीं हाईवे पर बंद हो गई गाड़ी, वहाँ जाके हम देख रहे हैं उसे, तो पता लगा ये कि हाँ यार ये घर से निकला था यार, खान साहब चेक लाइट तो यार ब्लिंक कर रही थी, लेकिन मैंने सोचा कि पता नहीं क्या है करके, और चलते हैं, गाड़ी तो स्टार्ट हुई गई, गाड़ी स्टार्ट नहीं होती तो मैं रुक जाता। बताइए हम कहीं ना कहीं रुकते हैं, बंद करते हैं गाड़ी, कोई इमरजेंसी चाहिए, हमें कोई कोल्ड ड्रिंक लेनी है, बिस्लेरी लेनी है, तो वहाँ रुके, दोबारा स्टार्ट सल्फ मारा, गाड़ी बंद पड़ी है साइड में, गाड़ी रुकी है हाईवे पे, परेशान हम भी, फिर टेक्नीशियन को फ़ोन कर रहे हैं, टेक्नीशियन के 10 बहाने। फ्रेंड्स इसीलिए ही मैं आपको ये चीज़ें बता रहा हूँ, और आपके लिए मैंने एक बहुत बढ़िया वीडियो बना के डाला है काफ़ी सारी चेक लाइट्स के बारे में, और मैं अगर आप चाहें तो उसको डिस्क्रिप्शन में देख के उसके लिंक को आप देख सकते हैं, काफ़ी सारी चेक लाइट्स के बारे में मैंने बताया है। अगर मेरा वीडियो आपको ये सही लगा हो तो आप प्लीज़ चैनल को हमारे सब्सक्राइब ज़रूर कर दें और लाइक कर दें, सही नहीं लगा हो तो प्लीज़ डिसलाइक भी ज़रूर करें इस वीडियो को। किसी भी तरह का कार से रिलेटेड संबंधित फ्रेंड्स आपको कुछ भी जानकारी चाहिए वगैरह तो आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं, हमें कार टेक्निकल में बने रहिए। अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में।